एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी फैजाबाद के बीकापुर उपचुनाव से अपने यूपी मिशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। यूपी मिशन में ओवैसी का नारा होगा जय भीम जय मीम। मुसलमानों के साथ दलित वोटों में सेंध लगाने के लिए उन्होंने ये नारा दिया है और बीकापुर सीट से उन्होंने दलित प्रत्याशी को ही चुनाव मैदान में उतारा है। यूपी में उपचुनाव मार्च में होने हैं, इसमें एमआईएम एकमात्र फैजाबाद की सीट पर चुनाव लड़ रही है। ओवैसी अपने प्रत्याशी के समर्थन में 4 फरवरी को सभा करने जा रहे हैं। इस सभा की तैयारियों के लिए बीकापुर और आसपास कई पोस्टर्स लगाए गए हैं। कुछ ऐसे पोस्टर भी लगे थे जिन पर जय भीम जय मीम का नारा लिखा हुआ था। लोगों का कहना है कि 3 दिन पहले तक ये पोस्टर लगे थे, लेकिन बाद में प्रशासन ने इन्हें हटवा दिया। ओवैसी की पार्टी का आंध्र प्रदेश में काफी प्रभाव है। मुस्लिम वोट बैंक को आधार मानकर पार्टी अब सभी राज्यों के चुनाव में प्रत्याशी उतार रही है। बिहार में भी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। ओवैसी का अगला टारगेट यूपी का 2017 का विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए पार्टी ने पहले पंचायत चुनाव लड़ा, इसमें 4 सीटें भी हासिल की। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी इससे पहले महाराष्ट्र और बिहार सहित अन्य राज्यों में भी यही नारा दे चुकी है। कट्टर मुस्लिम चेहरा होने से मुसलमान वोटों को तो वो अपना आधार मानती ही है। इस नारे से कुछ दलित भी आ गए तो ये उसके लिए बोनस है।